राजनांदगांव में बिना अनुमति नजर से पानी लेने पर दो पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने समझाइश देकर मामले को शांत कराया। दरअसल कांवड़िये पाटेश्वर धाम के लिए अंबागढ़ चौकी में ढोकला गांव के पास स्थित एक नहर से पानी लेकर जा रहे थे। आदिवासी समाज ने इसका विरोध शुरू किया, जिनका कहना था कि पांचवी अनुसूची के तहत पहले पंचायत से अनुमति लेनी होती है, लेकिन कांवड़िया बिना अनुमति जल लेकर जा रहे थे, जिससे दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। घंटों तक तनाव की स्थिति बनी रही, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची और समझाइश देकर मामले को शांत कराया गया। ये बालक दास के नेतृत्व में कुछ तथाकथित हिंदू लोग यहाँ से कांवड़ यात्रा करके पानी ले जा रहे थे। पूर्व में भी राम मंदिर के नाम से आदिवासी क्षेत्रों से जगह जगह देव स्थलों से मिट्टी ले जाने का काम चल रहा था। उस समय भी पूरा आदिवासी समाज विरोध किया और अंततः सरकार को वापस लेना पड़ा। तो इस मामले में ये पहली बार है आज ये ढोकला गाँव में तो कांवड़ यात्रा के नाम से हमारे देवधारा के पानी को ले जा रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। SDM साहब ने बगैर ग्राम सभा के सहमति के अनुमति दे दी बालक दास को। ये हम विरोध करते हैं।